Point E and F are located on a square ABCD so that triangle BEF is an equilateral triangle. If the side length of the squared ABCD is 1 unit, then which of the following is are correct? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये B को लेके हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है रेक्टेंगल स्क्वायर में BEF. अब एक चीज तो हमें पता है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं. BE is equal to EF is equal to FP. और हमें पता है BC की लेंथ भी 1 है. ये पॉइंट A था मेरा. दिस AB is 1, AD is 1 एंड CD is also 1. अब एक और चीज है यहां पे, हमें क्या पता है कि ये जो हमारा सिमेट्रिकल होता है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वैसे ही हमारा स्क्वायर भी सिमेट्रिकल है, तो उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल BAF है और BCE है ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ऐसे हम बोलेंगे ट्रायंगल BAF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा हमारे पास में तो EC इज इक्वल टू AEAF हो जाएगा. तो ऐसा हो जाएगा AAF इज इक्वल टू EC, AF इज इक्वल टू EC. एंड सिमिलरली हम यहां से ये भी बोल सकते हैं क्या कि DF इज इक्वल टू DE हो जाएगा. तो अगर DF इज इक्वल टू DE, अब अगर ऐसा है तो मैं दोनों को x के इक्वल बोल देता हूं. लेट्स से दिस साइड इज x, दिस साइड इज x, तो ये वाली भी 1 माइनस x हो जाएगी, ये भी 1 माइनस x हो जाएगी. अब एक और चीज हमें पता है क्या कि BF इज इक्वल टू EF है, तो BF इज इक्वल टू EF है, तो BF स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर होगा. तो BF स्क्वायर क्या जाएगा, 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. तो अगर 1 प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर, फिर अगर इज इक्वल टू EF स्क्वायर क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर व्हिच इज 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर. तो ले जाएगी 2 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर सिंपलीफाइड फॉर्म में. तो यहां से वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 1 माइनस x, 2 into 1 माइनस x. ठीक है, ये हो गया हमारे पास में. अच्छा, अब अगर मैं एरिया देखूंगा तो एरिया हमें DEF और ABE के एरिया की बात करते हैं हम, तो DEF और ABE का एरिया DEF, तो एरिया क्या हो जाएगा, DEF का 1 by 2 into x square, तो एरिया ऑफ DEF इज एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू x square by 2. और फिर क्या होगा, एरिया ऑफ ABF कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ABF, एरिया ऑफ ABF इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2. ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई 2. अब देखते हैं क्या होगा. सी, ये 1 माइनस एक्स बाई 2 इसका एरिया है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स. ये वैल्यू क्योंकि दोनों के एरिया के रेशियो के इक्वल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी एफ इज इक्वल टू वॉट, 2. तो हमारे पास में रेशियो आ गया 2 के इक्वल टू डी ई एफ और ए बी ई का जो एरिया है हमारे पास में ए बी, तो जो हमारा रेशियो आएगा वो 2 के इक्वल आएगा. बट बस प्रॉब्लम क्या हुई इस क्वेश्चन में, सी इन्होंने जो ट्रायंगल डी, इनका ट्रायंगल बन रहा है डी ई एफ, तो ये तो ठीक बनेगा, लेकिन हमारा दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है ए बी ई. तो ए बी ई कौन सा बनता है, ए बी और ई, ये वाला बन रहा है. जबकि ना इन्होंने जो आंसर गिवन है वो इस तरीके से गिवन है कि अगर मैं इस वाली साइड पे ई मार्क करूं और इस वाली साइड पे एफ मार्क करूं, तब क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, ये नीचे जो हमने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा है, ए बी एफ, वो ए बी ई बन जाएगा उस केस में, और हमारा रेशियो क्या जाएगा, 2 के इक्वल. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. अब हमें दूसरी चीज पूछी है क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बी ई एफ एंड ए डी ई एफ. तो बी ई एफ तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया है ना, और डी ई एफ क्या हो जाएगा, डी ई एफ ये हो जाएगा. तो इसका एरिया क्या था, एक्स स्क्वायर. अब इसका एरिया मुझे निकालना है, तो ये साइड कितनी, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये वाली साइड हो जाएगी मेरे पास में रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स, और ये भी हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स. तो एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ क्या, हम बी ई एफ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर और साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर. तो ये बी ई एफ का एरिया कितना है, रूट थ्री बाई फोर, रूट थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है डी ई एफ, तो डी ई एफ का एरिया क्या था, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो रेशियो क्या जाएगा रूट थ्री का. ठीक है, तो हमारे पास में बी ई एफ और डी ई एफ का रेशियो क्या जाएगा, रूट थ्री के इक्वल. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वॉट, ए एंड सी.